बड़वानी जिला मुख्यालय में इंदिरा सागर परियोजना की नहर निर्माण की गुणवत्ता को लेकर किए गए दावे जिले में हुई बारिश के बाद भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ग्राम बोमिया में बनी परियोजना की नहर एक बारिश भी झेल नहीं पाई और कई क्षेत्रों में टूट फूट गई। इंदिरा सागर परियोजना के तहत बनाई गई नहर निर्माण की गुणवत्ता की पोल समय के साथ खुलती जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार तो आंखें मूंद कर बैठे हैं। और अब जिले में अच्छी बारिश के बाद नहर के बीच से एक हिस्सा ही पानी के साथ बह गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। नहरों के टूटने से किसान परेशान हैं। इंदिरा सागर परियोजना की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। इस बारे में कलेक्टर अमित तोमर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, कहां नहर टूटी है इसका पता लगातार जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ये आपके पंचायत में? हाँ, पंचायत हमारे ग्राम पंचायत में पहली बारिश में ही नहर टूट गई और हमने इस संबंध में संबंधित अधिकारी को शिकायत भी करी थी, पर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और मतलब ऐसे गुणवत्ताहीन मतलब नहर बनी, वो तो पहली बारिश में ही मतलब टूट गई। और क्या क्या परेशानी है नहर से? नहर तो मतलब जगह जगह रिसाव हो रहा, नहर से कच्ची नहर गुणवत्ताहीन बनी है और जगह जगह रिसाव हो रहा है। और बहुत सी जगह मतलब रास्ता निकलने के लिए भी उन्होंने पूरी पाइप पुलिया और पुलिया कुछ भी बनाया है, और उस संबंध में हमने शिकायत करी थी पर कोई सुनने को तैयार नहीं। जगह जगह मतलब बहुत सारे मतलब गांव, हमारे गांव में बहुत सारी जगह ऐसे फैलिए बने हुए हैं, वहाँ पर मतलब जानवरों और आने जाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, इसमें कहाँ पर नहर डैमेज हुई है, किन कारणों से, उसकी जांच कराई जाएगी। यदि जांच में कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। शिवपुरी